रेरा क्या है, रेरा किस काम में आता है और किन किन चीजों की वजह से रेरा को लाया गया, रेरा कब चालू हुआ, रेरा किस बॉडीज ने एक्सेप्ट किया, रेरा कब पास हुआ और रेरा का क्या काम है, रेरा में कितने सेक्शंस आते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, रेरा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है सुमेध राउत और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमेध राउत वैनगंगा रियलिटीज के इस प्यारे परिवार में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं हम एक्चुअल में रेरा होता क्या है। रेरा का फुल फॉर्म हम समझेंगे। रेरा का फुल फॉर्म है दोस्तों RERA, इसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि बायर्स के लिए और बिल्डर्स के लिए इक्विवेलेंट काम करती है, बट इसका सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो बायर्स को होता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, मैं आपको बता दूं 10 मार्च 2016 को रेरा जो था ये राज्यसभा में पास हुआ था और 15 मार्च 2016 को ये लोकसभा में पास हुआ था। और इसी के चलते चलते जो 1 मई 2017 में ये लागू हुआ था दोस्तों, पूरे स्टेट में लागू हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जो सेक्शंस है 61 to 97 जो सेक्शंस थे ये 1 मई 2017 को लागू कर दिए गए थे और बाकी के जो सेक्शंस थे ये उसके बाद लागू कर दिए गए थे। उसकी भी डेट है, थोड़ा सा मैं डेट को रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूं तो मैं उस डेट को वहां पे नीचे लिख दूंगा। सो दोस्तों ये था रेरा कब पास हुआ, किस बिल में रेरा को पास किया गया, राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ। अब ठीक है, रेरा पास तो हुआ बट एक्चुअल में रेरा क्या करता है, रेरा का काम क्या है, ये आप सबको क्यूरियोसिटी हो लगी होगी। सो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि लास्ट तक इस वीडियो को देखें। मैं रेरा का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बोनस के तौर पर लास्ट में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। सो रेरा दोस्तों एक रियल इस्टेट बॉडी है। ये यूजुअली रियल इस्टेट ब्रोकर्स के रियल इस्टेट बायर्स के लिए और रियल इस्टेट डेवलपर्स के लिए काम करती है, साथ ही साथ ब्रोकर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। रियल इस्टेट रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसमें बायर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, बायर्स के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, साथ ही साथ जो एक पर्टिकुलर बिल्डर है, बिल्डर को इसमें बहुत अच्छी तरह से एक चौकट में बांधा गया है। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वाली साइड होती है तो सबसे पहले बिल्डर को एक रेरा बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, रेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट को, उसके बाद रेरा बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है और उस प्रोजेक्ट में उस लेआउट में या फिर उस कंस्ट्रक्शन साइट में जितने भी प्लॉट बुक हो रहे हैं, जितने भी फ्लैट बुक हो रहे हैं, उनका जो भी पैसा आ रहा है, सपोज बिल्डर ने अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है तो बैंक लोन होता है दोस्तों, और जैसे जैसे 10% 20% 50% जो भी पैसा आता है वो उस रेरा अकाउंट में लेना होता है। और जैसे बिल्डर को कुछ काम करना है, बिल्डर को कुछ पैसे की जरूरत है तो बिल्डर को CA के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू, CA के थ्रू एक कोटेशन देना होता है रेरा की वेबसाइट को, रेरा को, और उस बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना पड़ता है और एक सीमित अमाउंट ही विड्रॉ कर सकता है बिल्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंस्ट्रक्शन साइट में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी और ये जो भी बायर से उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। ये क्या होता था पुराने समय में, पिछले कुछ साल पीछे हम जाते हैं तो बिल्डर्स क्या करते थे, जो कंस्ट्रक्शन साइट वाले बिल्डर्स होते थे वो
पैसा आता था, कस्टमर्स का प्लॉट फ्लैट्स बिकते थे, पैसा आता था, वो लोग क्या करते थे, उन सभी पैसे को लेते थे और अपना कंस्ट्रक्शन का साइट चालू करते थे और फिर उन पैसे में से थोड़ा सा पैसा और दूसरे साइड में इन्वेस्ट करते थे, जगह खरीदते थे और वहां पे कंस्ट्रक्शन करते थे। सो इस चीज को अभी बाउंडिंग किया हुआ है और दूसरी जगह खरीदने के कारण उनका वो वहां का पैसा उधर डाइवर्ट होता था और वहां पे कुछ कभी कभी प्लॉट फ्लैट बिकते थे, कभी फ्लैट नहीं बिकते थे, तो वो पैसा वहां स्टक हो जाता था और कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर या कुछ चीजें अफेक्ट होती थी तो वो भी स्कीम ठप, ये भी स्कीम ठप। सो इसमें जो बायर्स होता था पहले वाली स्कीम में खरीदने वाला, वो कहीं ना कहीं लटक जाता था और उसका जो पोजीशन टाइम है वो डिले होता था। सो इसको मद्देनजर रखते हुए रियल एस्टेट अथॉरिटी ने, रियल एस्टेट मतलब गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट की एक बॉडी बनाई जिसका नाम रेरा रखा और उसको स्ट्रांगली बाउंडेड कर दिया कि नहीं भैया, आपको अगर कंस्ट्रक्शन करना है, आपको अगर बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको एक सीमित समय का 5 साल का आपको टाइम दिया जाएगा, एक मोटा मोटा 5 साल में आपको कंस्ट्रक्शन करके वो अपार्टमेंट बायर्स को हैंड ओवर करनी है। अगर आप उसमें असमर्थ होते हैं, बायर्स को हैंड ओवर नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी, बायर्स को उसका हक देना आपको जरूरी है। सो ये बाउंडेड हो गया, एक रेरा बैंक अकाउंट हो गया, इसमें भी बाउंडेड हो गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रियल इस्टेट का महत्वपूर्ण रेरा का एक काम है जो बायर्स के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है और बिल्डर्स के लिए भी। बिल्डर्स के लिए क्यों आप पूछेंगे, बिल्डर्स के लिए इसलिए क्योंकि बिल्डर्स को एक पंचुअलिटी मिल जाएगी, समय के साथ काम को पूरा करना है, ये उसमें एक मतलब एडिशनल पॉइंट ऐड हो जाएगा और बायर्स को उनका घर मिल जाएगा। अब प्लॉट्स में भी रेरा होता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, प्लॉट्स में भी रेरा होता है, प्लॉट्स में भी सेम नोटिफिकेशन है रेरा के, सेम गाइडलाइंस है रेरा के। बट प्लॉट्स का ऐसा है दोस्तों कि प्लॉट्स में मतलब कंस्ट्रक्शन वाला फेज नहीं होता है, तो प्लॉट्स में कैसा होता है दोस्तों, रियल एस्टेट रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का रेरा मिल जाता है, फिर बिल्डर को एक सीमित समय दिया जाता है, उसके पास समय होता है। बट कोई भी प्लॉट धारक, कोई भी प्लॉट बिल्डर साल भर में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देता है दोस्तों, जो बायर से उनको पोजीशन दे देता है। सो प्लॉट में रेरा बहुत सेफ माना जाता है और नहीं, कंस्ट्रक्शन साइड में भी सेफ माना जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइड में गलत है, बट कैसा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट रेरा ने बाउंडिंग डाली हुई है और रेरा आपके साथ है, रेरा बायर के साथ है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, रेरा बायर के साथ भी है, बिल्डर के साथ भी है, बट बिल्डर ईमानदारी से काम कर रहे तो उसके साथ है और बायर ईमानदारी से बिल्डर के साथ अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसके साथ भी है। अब बिल्डर रेरा मतलब बायर के साथ ईमानदारी से क्या ट्रांजेक्शन करेगा? देखिए दोस्तों, रेरा सिर्फ बिल्डर के लिए मतलब बिल्डर के ऊपर ही रेरा के गाइडलाइंस और नोटिफिकेशंस नहीं, बायर्स के ऊपर भी है। कुछ बायर्स क्या करते हैं, प्लॉट या फ्लैट खरीद लेते हैं, उसका पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं करते हैं, फिर जाते हैं रेरा के पास कंप्लेन करते हैं। कैसा होता है, दो चीजें, सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, कभी बायर भी गलत हो सकता है, कभी बिल्डर भी गलत हो सकता है। अगर बिल्डर आपको डिले कर रहे हैं तो बिल्डर में उसकी बिल्डर की उसमें खामी है कहीं ना कहीं, अगर आप डिले कर रहे हैं तो आपकी खामी कहीं ना कहीं, तो दोनों सिक्के के पहलू को आपको सही रखना है तो ही रेरा आपका फायदा करेगा और रेरा आपके काम में आएगा। और रेरा की खासियत बताओ दोस्तों तो रेरा हर जगह पे आपको अप्लीकेबल दिखेगा और कंस्ट्रक्शन में एक छूट मिली हुई है रेरा को, 500 स्क्वायर फीट के अंदर की जो अपार्टमेंट्स है या 4 फ्लोर के अंदर की जो अपार्टमेंट्स है उसमें रेरा लागू नहीं होता है, ये कुछ छूट मिली हुई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के नजरिए से आपको ये चीजें बता दूंगा। और दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, रेरा आपके लिए सेफ है और रेरा की ये गाइडलाइंस है, रेरा कब पास हुआ था, रेरा का क्या फायदा है, ये सब चीजें इस वीडियो में आपको समझ में आई होंगी मैं आशा करता हूँ। और अगला वीडियो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आऊंगा NMRDA सैंक्शन क्या होता है, RL क्या होता है इस पे। सो ये बोनस पॉइंट मैं आपको आई बटन में जल्द ही अपलोड करूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, सेफ इन्वेस्टमेंट करें नागपुर में और कुछ भी जरूरत लगती है, किसी भी सजेशन की जरूरत लगती है, मुझे बिंदास कॉल करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।